अस्सलामुअलैकुम। लीनियर मॉडल्स, आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा लीनियर मॉडल्स और पर्टिकुलरली लीनियर मॉडल्स फॉर रेगुलेशन। लीनियर मॉडल्स यूज करते हैं लीनियर फंक्शंस ऑफ द इनपुट फीचर्स टू मेक प्रेडिक्शंस। लीनियर मॉडल्स को यूज करते हुए हम रेगुलेशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और हम क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा फोकस है रिग्रेशन। पहले स्टेप में हम जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं इनको इम्पोर्ट कर लिया। नेक्स्ट, इस एग्जांपल में हम वेव वाला डाटा सेट ले रहे हैं जो सिंथेटिक डाटा सेट था। एम जी लर्न डॉट डाटा सेट को कॉल किया और एक्स में हमारे पास इनपुट फीचर्स आ गए और वाई में हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ गई। वाई में हमारे पास आ गया टारगेट और इस पीस ऑफ कोड में एक्स और वाई दोनों को प्रिंट हुआ लिया। तो इस इनपुट के अगेंस्ट मेरे पास ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है, इस इनपुट के अगेंस्ट ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है, इस इनपुट के अगेंस्ट ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है। सो ये है वही सिंथेटिक डाटा जो आप प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम इसको जरा प्लॉट करके देख लेते हैं। ये जो आपके पास डेटा था जिसमें आपके पास एक्स आ रहा था और उनके अगेंस्ट हमारे पास वाई वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पे आप देखिए कि एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो अराउंड -3 के करीब है और मैक्सिमम वैल्यू भी अराउंड -3 है। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी -1 से 2 के दरमियान है और प्लस के दरमियान। इन एक्स और वाई को इस डायग्राम में प्लॉट कर दिए, यहाँ पे सिंपल उनकी प्लॉटिंग हुई है। सो एक्स की वैल्यूज की जो रेंज आपके पास आ रही है वो भी आप देख सकते हैं -3 से +3 तक है और वाई की जो वैल्यू आ रही है वो भी आपके पास 1.5 से लेके -2.5 तक वैल्यूज है, उनको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। एक्स एक्सिस में जो एक्स की वैल्यूज हैं वो हैं और वाई में हमारे पास उनके अगेंस्ट प्रिडिक्शन हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स आ गए। अब हम थ्रू लीनियर मॉडल कर्व फिट करना चाह रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो कि इन पॉइंट्स से क्लोज होके गुजरे ताकि उसकी बेस पे हमारी प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये डेटा है, यहाँ पे इसको जरा देखे, अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से ये प्लॉट हुआ हुआ है और अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और आप ये कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन इस डाटे को प्रेजेंट कर रही है, तो आंसर इज नो। आपकी कोशिश क्या होती है कि आप ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो इन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट से क्लोज होकर गुजरे। सो अगर मेरे पास ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है, तो कौन सी लाइन ज्यादा इस डेटे को रिप्रेजेंट कर रही है? आप कहेंगे लाइन 3 इस डेटे को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? इस वजह से कि आपको याद होगा, आपने हाई स्कूल में लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास m होता था स्लोप और C था y इंटरसेप्ट। अब जब आपने M और C की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब आप उसको यूज करते हुए कोई भी ऐसा पॉइंट X की, अब कोई भी नई इनपुट वैल्यू आती है, आप उसको M से मल्टीप्लाई करेंगे जो स्लोप से और उसमें C ऐड कर देंगे, तो आपके पास Y मीन्स हमारी जो प्रेडिक्शन है वो आ जाएगी। तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन है उसको यूज करते हुए हम X के अगेंस्ट जो रिस्पेक्टिव प्रेडिक्शन है वो गेट कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? M और C की वैल्यू फाइंड करना। तो यूजिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम
एम और सी की वैल्यू लर्न करते हैं फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, और वो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है कि उसमें एम और सी की क्या वैल्यू है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको जो सी यानी इंटरसेप्ट नजर आ रहा होगा दैट इज अराउंड 0.1 के करीब, और अगर हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो हमारे पास स्लोप का जो फार्मूला होता है वो है राइज ओवर रन। राइज अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.4 और रन है 1 की, तो इसकी जो स्लोप आ रही है दैट इज 0.4। तो इस के लिहाज से आप कोई भी नई वैल्यू आती है, लेट्स से ये एक पॉइंट आता है तो उसकी आप प्रेडिक्शन गेट कर सकते हैं, लेट्स से कोई एक नई वैल्यू यहाँ पे आती है तो उसकी आप एक प्रेडिक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सो होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि लीनियर मॉडल में किस तरीके से वर्किंग हो रही है। नेक्स्ट, अब हम इसको कंपेयर करते हैं KNN रिग्रेशन से। आपको याद होगा KNN रिग्रेशन में यहाँ पे भी सेम वही पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं वेव डेटा सेट के, ये सारे के सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं। लेकिन KNN में आपको याद होगा जो हमारा मॉडल की जो प्रेडिक्शन आ रही है वो इस तरीके से zigzag आ रही है। KNN के केस में हमारे पास मॉडल की प्रेडिक्शन ज्यादा zigzag है इस तरीके से, जैसे हमने नेबर्स की वैल्यूज को इंक्रीज किया तो ये थोड़ी सी स्मूथ हुई, नेबर्स की वैल्यूज को और इंक्रीज किया तो ये और ज्यादा स्मूथ होना शुरू हो गई। लेकिन लीनियर रिग्रेशन के केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर आप इसको देखें ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। सो अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा मॉडल बेहतर है, तो अगर आप सिर्फ इस डायग्राम को देखें तो आप कहेंगे कि लीनियर मॉडल में जो लोकल इंफॉर्मेशन है वो ट्रू सेंस में कैप्चर नहीं हो रही, जबकि के नियरेस्ट नेबर में अगर के की वैल्यू 3 या के की वैल्यू 9 है तो वहां पे वो नियरेस्ट नेबर्स की इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शंस के लिए ट्रू सेंस में कैप्चर कर रहा है, जबकि इस केस में वो ओवरऑल सारे ट्रेंड को देख के कर्व को फिट कर रहा है। तो दोनों मॉडल्स के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। आने वाले लेक्चर्स में हमारी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि जो लीनियर मॉडल्स हैं वो कौन क्या टाइप्स हैं। थैंक यू, अल्लाह।